नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे रूट के बारे में जहां पे आज़ादी के बाद पहली बार ट्रेन की शुरुआत की गई है। बिहार में अगर हम रेलवे की बात करें तो यह सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दरअसल कोसी और मिथिलांचल के लोगों के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। साल 1934 में आए भूकंप के बाद कोसी और मिथिलांचल के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। इस दौरान चलने वाली रेलगाड़ियों को भी नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज़ादी के बाद से इस इलाके में रेलवे के परिचालन को लेकर लगातार प्रयास जारी रहा। लेकिन 87 साल के बाद वह मौका आया जब इस रूट पर रेलवे की शुरुआत होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि 8 मई को इस रूट का उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन अभी इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बता दें कि इस रूट में ट्रेन का परिचालन नहीं होने के कारण लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब लोगों का कष्ट दूर होने वाला है। दरअसल झंझारपुर सहरसा के बीच में रेल की शुरुआत हो गई है। इधर रेलवे के अधिकारियों के हवाले से यह खबर चल रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि झंझारपुर सहरसा के बीच में इसी सप्ताह पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। इस रूट पर चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन झंझारपुर में होगी और यह ट्रेन तमुरिया, निर्मली, आसनपुर, कुपहा, सरायगढ़, सुपौल के रास्ते सहरसा तक पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि इस रूट पर ट्रेन के परिचालन के बाद से सहरसा दरभंगा अप डाउन ट्रेन चलने लगेगी, जिससे लाखों लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ लोगों को सफ़र के दौरान पैसे की भी बचत होगी। झंझारपुर सहरसा रेल लाइन शुरू होने से लोगों का समय भी बचेगा। वर्तमान में इस क्षेत्र के लोगों को मानसी, खगड़िया, समस्तीपुर होकर दरभंगा जाना पड़ता था, जिससे उन्हें 4 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगता था, यानी कि वो लंबा समय जो है उन्हें ट्रेन में गुजारना पड़ता था। लेकिन अब जब नए रूट की बात कही जा रही है तो इस रूट में सरायगढ़, निर्मली, झंझारपुर से होते हुए एक्सप्रेस ट्रेन 3 से 3.25 घंटे में अपनी यात्रा को पूरी कर लेगी। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि सहरसा से दरभंगा जाने में अब 4 घंटे का समय लगेगा और सहरसा से सरायगढ़, निर्मली, झंझारपुर होते हुए अगर आप दरभंगा पहुंचते हैं तो इस रास्ते में यात्रा की दूरी भी कम हो लगेगी। 1934 के भूकंप के दिनों को याद कर आज भी बड़े बुजुर्ग सिहर जाते हैं। इस साल के भूकंप का सबसे ज़्यादा असर कोसी मिथिलांचल के लोगों के ऊपर देखने को मिला था। उस समय इस आपदा का कहर इस तरह था कि जान माल का काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि अब एक बार फिर से उस आपदा से निकलते हुए रेलवे परिचालन की शुरुआत की गई है। अब एक बार फिर से सहरसा से निर्मली, झंझारपुर के होते हुए दरभंगा तक ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि इस इलाके में जहां रेलवे अभी भी नहीं पहुंच पाया है, उन इलाकों को भी मुख्य लाइन से जोड़ा जाएगा। इस रूट पर ट्रेन परिचालन को लेकर बोलते हुए समस्तीपुर रेल मंडल के DRM आलोक अग्रवाल ने बताया कि नया रूट झंझारपुर से शुरू होता है, इस कारण उद्घाटन वाले झंझारपुर से सहरसा तक उद्घाटन स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसी सप्ताह या फिर अगले सप्ताह नवनिर्मित रेलखंड चालू होने की पूरी संभावना जताई गई है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद से एक तरह से कहें कि झंझारपुर और मिथिलांचल का ये जो पूरा इलाका है, कोसी का ये पूरा इलाका है, यह कोसी नदी के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा एक तो मार झेलता है बरसात के दिनों में, उसके बाद भूकंप की जो मार 1934 की मार जो है वो अभी तक यहाँ पे रेलवे का परिचालन शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन आज़ादी के बाद अब एक बार फिर से इस इलाके में रेलवे का परिचालन शुरू होने वाला है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।